प्रथम चरण के चुनाव में पार्टी के कई उम्मीदवारों ने बागी तेवर अपनाया है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भी किया हमारे साथ इस वक्त डालटेनगंज से संजय सिंह है जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं लेकिन इन्होंने निर्दलीय टिकट अपना नामांकन किया है हम उनसे बात करते हैं संजय जी क्या वजह रही आपने निर्दल के रूप में अपना नामांकन किया है जहाँ तक देखिए वजह पूछ रहे हैं कि क्या वजह हुआ वजह के बारे में यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि क्या वजह हुआ कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए निर्णय लेना पड़ा अब हमसे पूछें तो मुझे अवश्य रूप से बताना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता या हम कह सकते हैं कि इस राज्य के माननीय मुखिया मुख्यमंत्री रघुवर दास जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांत की पार्टी है और जो टिकट की बंटवारा हुआ है वह बंटवारा जो है सर्वे के आधार पर हुआ है मैं आप सबों को बताना चाहूँगा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर में इतना हिम्मत है तो जो ओरिजिनल सर्वे है वो लोगों को सामने के सामने लेकर के आए मैं ये चुनाव लड़ कर के तो मैं मान लूँगा कि मैं गलत हूँ उनके अंदर में इतना हिम्मत नहीं है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका सर्वे था संघ का सर्वे इनका क्या बोलते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सर्वे जिसमें जो है मेरे प्रति लोगों का जो राय था वो 73 परसेंट था जो मुख्यमंत्री जी को लगा बड़ा अटपटा था कि अरे ये ऐसा व्यक्ति है जो कि 73 परसेंट इसके पक्ष में है लोग उन्होंने एक अपना सर्वे करवा लिया उसमें जो है आ, 18 परसेंट का फुल मार्क्स उन्होंने रखा था जिसमें 17 परसेंट जो है मुझे मिला यहाँ के लोगों को राय और मात्र 6 परसेंट जो है जो माननीय स्थानीय विधायक हैं उनका पक्ष में मिला तो लोगों को जो है केवल हम कहते हैं कि नीति और सिद्धांत की जो बात करते हैं और कहते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं लड़ने के लिए चला गया मैं उसी के लिए बोलना चाहूँगा कि अगर सर्वे कहती है कि संजय सिंह इस विधानसभा का प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में हम देखना चाहते हैं तो जनता ही सर्वोपरि है जनता के अदालत में मैं अपनी लड़ाई लेकर के जा रहा हूँ और इसके लिए अगर कोई कहता है कि निर्दलीय या पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहा है तो मान लीजिए कि मैं बगावत करके चुनाव लड़ रहा हूँ एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस समय नीति और सिद्धांत की बात होती है आज भारतीय जनता पार्टी में कोई नीति और सिद्धांत की बात नहीं है मैं आप को बताना चाहूंगा इसका मतलब अभी जिस तरह से पार्टी बोल रही है कि जो ने सर्वे करवाए हैं राजशुमारी की है फिर अलग अलग लोगों से प्रखंड अध्यक्षों से कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी की है तो क्या लगता है सिर्फ ये आईवास है या इसका कोई औचित्य भी है 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 बिल्कुल मैं बताऊं कि हमारे हाँ नौ मंडल पड़ता है नौ मंडल में से मैं बताऊं कि किसी भी आप मंडल अध्यक्ष से पूछ लीजिएगा पर्टिकुलरली आप जाकर पूछेगा मंडल अध्यक्ष आपको बताएगा कि हम संजय सिंह के पक्ष में जो है मतदान की अपना राय दिए हैं और नौ के नौ लोगों ने मुझे प्रथम स्थान पर रह करके दिया है यह केवल आय है केवल लोगों को लोक लुभावन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो यही जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो राष्ट्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा जी और माननीय वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं श्री रघुबर दास जी दोनों को तू में हुआ कि इस तरह का लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य ना करें अगर ऐसे ही किसी को टिकट देना है तो आप ऐसे ही दे दें केवल कभी मंडल अध्यक्ष को बुला रहे कभी वहां बैठक करवा रहे हैं कभी सर्वे की आप बात कर रहे हैं तो इस तरह का जो है लोगों को बरगलाने का बरगलाने का जो है कार्य ना करें आज भी तीसरी लिस्ट जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की उसमें कई वरिष्ठ नेताओं का नाम अभी तक नहीं है उसमें भी असमंजस सरयू राजे का नाम नहीं है कई सिटिंग एम के टिकट काट दिए गए हैं गंगोत्री कुजूर का टिकट काट दिया गया है कुछ और भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अवहेलना की गई है देखिए दुर्भाग्य है मैं तो ये बोलूंगा कि जो पैंसठ प्लस का जो ये नारा लेके गए थे हमको लगता है शायद पच्चीस भी आ जाएगा तो बड़ा मतलब बहुत बड़ा जो है इनकी उपलब्धि होगी आज पलामू परमंडल में नौ सीटें हैं नौ सीटें जो हैं मैं कहता हूं कि एक भी सीट अगर यह जीत जाएंगे तो आप जो है तेईस के चौबीस दिसंबर को आप मुझसे बात कीजिएगा मैं यही आपको बता रहा हूं ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस कन्वेंस कॉन्फिडेंस हो जाना होना जो है बेहतर है बट जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना जो है ना वो बेहतर है आज रघुवर दास जी बता दें कि अपने स्तर से कौन सा इन्होंने कार्य किया है प्रदेश हमारे अपने राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जो कार्य करते हैं उसका नकल करते हैं कहते हैं हमने इतना जो है शौचालय बनवा दिया क्या शौचालय का कंसेप्ट रघुवर दास जी का है माननीय जी का था। आज कहते हैं इन्होंने हैं इन्होंने कि मैं लोगों को गैस कनेक्शन पहुंचा दिया क्या इनका ये प्लान था इनका ये विषय था ये केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का था विस्तार तो दिया इनके अपने हिसाब से आप किन मुद्दों को लेकर डाल्टनगंज में इस बार उतरेंगे देखिए मैं जहां तक मुद्दे की बात है तो आज जो पांच साल जो वर्तमान विधायक यहाँ पे रहे हैं उन्होंने विकास का कार्य की जहाँ तक कि हम बात करें अगर उनसे अब बात कीजिएगा तो वही यही सब सारी बातें करेंगे कि हम शौचालय बनवा दिए हम गैस कनेक्शन दे दिए हम प्रधानमंत्री आवास दे दिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो पाँच साल पहले जो विकास होनी चाहिए थी जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी यहाँ के जो विधायक निकम्मा है मैं आपको बोलता हूँ कि जो यहाँ के जो विधायक है इस पाँच साल में जितने भी विधानसभा सत्र चले होंगे एक बार भी अपने विधानसभा का किसी भी समस्या को लेकर के इन्होंने पटल पर बात रखने का कार्य नहीं किया है और आज हमारा जो यह विधानसभा जो है लगभग करीब 10 साल 15 साल पीछे चला गया है आज न यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है ना उचित रोजगार की व्यवस्था है बहुत सारे संसाधन है हमारे यहाँ केवल इसको हमको पुषअप करने की आवश्यकता थी हमारे यहाँ सिंचाई की बहुत सारी परियोजनाएँ हैं नदियाँ हैं आप देखेंगे पलामू में हम डालटेंगे विधानसभा में बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन किसी को जो है हम कहते हैं कि छोटे छोटे बराज बना करके अगर किसानों को अगर उनको सिंचित करना है हमारे खेतों को सिंचित करना है और किसानों को सुख समृद्धि करना है तो इस तरह का काज करना चाहिए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक अगर किया है मैं आपको बता दूं अगर किया है इन्होंने तो केवल अपने मामा और भांजे का विकास किया है शायद आपको पता होगा चलिए तो ये थे बीजेपी के बागी उम्मीदवार संजय सिंह जी और इनका ये मानना है कि जो रायशुमारी की गई थी पार्टी के अंदर जो सर्वे किया गया था वो पूरी तरह से आईवाश था और उसे एक तरीके से उसको नजरअंदाज कर दिया गया और साथ ही साथ डाटेनगंज के विकास के मुद्दे पर ये अपना चुनाव लड़ेंगे कैमरामैन सुनील के साथ निलय सिंह कशिश न्यूज डाटनगंज